नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस पेपर। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो डिस्कशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, टू द पॉइंट कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम मौर्य काल तक देख चुके थे इतिहास में, और इतिहास का आज जो डिस्कशन है वो मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। कुछ प्रश्न इसमें पुराने ओल्ड ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी पूरे चैप्टर को समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, और आप इसका कितना लाभ उठा पाते हैं ये आप ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिश यही होती है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। ये सारा मटेरियल जो लिया जाता है वो www.upsctarget.com से लिया जाता है, और इस वेबसाइट पे जो भी मटेरियल है, मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। कभी भी आप मटेरियल के सेगमेंट में जाकर और प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेगमेंट में जाकर, आंसर राइटिंग भी हम जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जाकर, इन सारी चीजों को बिना किसी फी के पढ़ सकते हैं। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को, और सबसे पहले हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के उन प्रश्नों को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की? तो ये सातवाहन और कुषाण वंश थे जिन्होंने मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था शुंग वंश का अंतिम शासक। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी, पहला फैक्ट। और इस वंश का अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, तो ये था सुशर्मा। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। जबकि कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो नगनिका और गौतमी, ये दो महिलाएं थी जिन्होंने सातवाहन वंश में संरक्षक के तौर पर, संरक्षिका के तौर पर शासन किया था। अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने धारण की थी? तो ये थी श्री सतकर्णी द्वारा धारण की गई उपाधि अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र। आपीलक किस वंश का शासक था? तो ये सातवाहन वंश का शासक था। आपीलक किस वंश का शासन था? तो ये सातवाहन वंश का शासक था। किस सातवाहक शासन ने वेड़ा कटक नगर की स्थापना की और वेड़ा कटक स्वामी की उपाधि धारण की? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था जिसने वेड़ा कटक नगर की स्थापना के साथ में वेड़ा कटक स्वामी की उपाधि, में नगर बसाया और उसका स्वामी अपने को घोषित किया, ये उपाधि इसने धारण की। किस सातवाहन शासक को, यहाँ पे देखिए सातवाहन की जगह ये हवान लिख गया है, ये सातवाहन पढ़िएगा, मैं इसको अपडेट करा दूंगा। शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, तो ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था जिसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो ये देवभूत के सिक्कों पर, देवभूत के सिक्कों पर दो पतवारों वाले जहाज का चित्र मिलता है, यानी कि उस समय जहाज जो चलते थे उनमें दो पतवारों का उपयोग होता था। ऐसे आप जब पढ़ा करिए तो चीजों को रिलेट किया कीजिए, यानी कि उस समय वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप था। नासिक के बौद्ध संघ को, अजकाल किए एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, उन्होंने नासिक के बौद्ध संघ को अजकाल किए और काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। अगला प्रश्न है कि कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को दो बार पराजित किया? तो ये वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी था। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को ये रुद्रदामन का जो शासक था उसने दो बार पराजित किया था, ऐसा कहा गया है कन्हेरी गुहा अभिलेख में। मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका संबंध है राज उल से। बृहत कथा की रचना किसने की थी? तो ये गुराटे ने की थी। ऐसे ही कातंत्र की रचना किसने की थी? सर्ववर्मन ने की थी। कातंत्र की रचना सर्ववर्मन ने। गुराटे और सर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो सातवाहन शासन काल में ये थे, सातवाहन शासक हाल था, उसने इनको संरक्षण प्रदान किया था। मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? तो ये राजवुल था। ये वही राजवुल है जो मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख का संबंध जिससे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। शकों के छहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये नहपान था। शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन था? ये चष्टन था। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके सामने आ जाएगा
और आपको फेल और पास होने के कगार पे खड़ा कर सकता है। तो इनको पढ़ लेना ज्यादा समीचीन होगा, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाक का तालाब जो है, इसका जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल कौन था, तो सुविशाख था। कौन था? सुविशाख। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी जो था ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था रुद्रदामन के शासनकाल में। शकों के कार्दमक कुल का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय था। पहलो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मित्रदात प्रथम। पहलो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था मित्रदात प्रथम। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो गोदो फर्नीज के शासनकाल में ये भारत आया था। महाभारत में सोतवथी की जो सोतवथी एक शब्द आता है, और ये सोतवथी को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो सोतवथी को अगर पूछा जाए किस संज्ञा से अभिहित किया गया है, तो सोतवथी को कहा गया है सत्यमती, यानी कि सोतवथी का दूसरा नाम क्या है। चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो खारवेल था। खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का था। भारत में प्रथम बैक्टीरियाई यवन शासक कौन था? तो ये डेमेट्रियस था। बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया? तो बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को मिलिंद नाम से कहा गया है, मिलिंद इसका नाम है इसमें। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। और यूनानी स्थापत्य कला की किन दो शैलियों का प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा? तो आयोनियन और कोरिन्थियन। आयोनियन और कोरिन्थियन ये दो शैलियां थी यूनानी स्थापत्य कला की जिनका प्रभाव भारत पर पड़ा। और भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? तो कुजुल कडफिसस जो था ये भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक था। कुषाण वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो ये कनिष्क था। बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीत के बाद हुआ? तो बौद्धों की महान शाखा का उत्थान चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद में हुआ था। महायान और हीनयान दो भागों में बौद्ध संप्रदाय बढ़ गया था, तो ये कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी उसमें। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हम डिस्कस कर चुके हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। अगर आपको पता है तो चारों बौद्ध संगीतियों को बता दीजिएगा क्रम से कि प्रथम कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, तृतीय कहाँ हुई, चतुर्थ कहाँ हुई। मथुरा में एक सुंदर विहार का निर्माण किस कुषाण शासक ने करवाया था? तो हुमिस्क था जिसने मथुरा में एक सुंदर विहार का निर्माण कराया था। छापुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? तो ये सातवाहन वंश जब पतित हो गया, इसका पतन हो गया, तो छापुओं ने अपने वंश को एक स्वतंत्र मतलब एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियां होने का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति। जहां पे ऐसी चीजें पूछी जाए तो अधिकतर अगर स्मृति पूछी जा रही है तो उसका उत्तर मनुस्मृति अधिकतर कंडीशंस में होता है, 100% नहीं, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। महाभारत में चार वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? तो ये 9 कर्तव्य बताए गए हैं चार वर्णों के लिए। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को प्रदान किया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो जो गांधार शैली है कला की उसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो ये 18 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 18। थेरावली की रचना किसने की थी? तो ये मोरुतुंग ने की थी। किसने? मोरुतुंग ने। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी थी? तो ये यूनानियों से सीखी थी। नक्षत्र का जो भी ज्ञान है, नक्षत्र को देखकर जो फ्यूचर बताया जाता है, ये सारी चीजें भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी। सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन था? तो ये गोदो फर्नीस था। गोदो फर्नीस था। अवलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब का है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का, जिसमें भूमिदान की बात की गई है। वाकाटक वंश का संस्थापक भिन्नशक्ति था। ये किस गोत्र का ब्राह्मण था? तो ये विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का ये संस्थापक था। किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? मथुरा कला को। किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार कला को। ये दोनों प्रश्न तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। यथार्थवादी कला गांधार और आदर्शवादी कला मथुरा। कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया? तो ये गांधार शैली में किया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है किस हिंदू यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? अगर चार नाम आपको दे दिए जाए, स्ट्रेटो, सेकेंड स्ट्रेटो, डेमेस्ट्रियस और मेनेंडर, तो आप स्ट्रेटो को याद रखिएगा कि स्ट्रेटो ने
शीशे के सिक्के जारी किए थे और यह हिंद वन शासक था। बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो ये मिलिंद जो है ये बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का इन सारी चीजों को अगर डिटेल में अध्ययन करना है, यहाँ पे तो समय कम रहता है, लेकिन आप इन चीजों को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर क्लास जो चल रही है इतिहास सामान्य अध्ययन की, कम से कम एक क्लास रोज उसकी भी आती है, वो आधे घंटे की लगभग की क्लास होती है और उसमें हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको केवल रिविजन करना है तो ये क्लासेस आप देखिए, इसमें अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं और वो आपको मिल जाएंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। तो अगर काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हम देखें, ये नमूना में बड़ाओं की मात्रा होती है, तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। लेकिन रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों की बात अगर कहाँ की गई है ये पूछा जाए तो जूनागढ़ के अभिलेख में की गई है। और बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में सिक्कों को जारी किया था, इसके टीन के सिक्कों को, तो ये टीन यहाँ पे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा ये कुषाणों ने। ये दो फैक्ट आपस में मिल गए हैं, ये एक दूसरा प्रश्न है जो मिल गया है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए थे। नियमित रूप से सोने के सिक्के अगर आपसे पूछे जाए किसने चलाए, तो आप इसका उत्तर देंगे कि नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। विम, कटफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से किसने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन कराया या किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है, तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम और हुविस, ये चार नाम में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय, तो यहाँ पर विम कटफिसेस। सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, या स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि विम कटफिसेस ने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये बात सही है या गलत? तो ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क व हर्मबीज, ये देखिए चार नाम दिए गए, में से वह कौन है जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के जारी या प्रचलित किया, नियमित रूप से उपयोग किया इसका? तो विम कटफिसेस। जैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि सोने के सिक्के जारी करने का, नियमित रूप से जारी करने का श्रेय विम कटफिसेस को जाता है। योद्धेय सिक्कों का अंकन मिलता है कार्तिकेय का। योद्धेय सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंटरव्यू में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर बौद्ध से पूछा जाएगा तो 81 ईस्वी सन। और कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में इसका हुआ था। और सत संबत का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है, 78 ईस्वी में। कनिष्क के समकालीन थे अशुघोष और वसुमित्र। प्रश्न पूछा जाता है कि अशुघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के। अशुघोष, नागार्जुन, पतंजलि, चरक, ये सारे जो लोग थे वो किसके दरबार से संबद्ध थे, नहीं थे, सॉरी में वह जो कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था, तो पतंजलि जो था, यहाँ पे प्रश्न फिर से आप समझिए, मैं गलत बोल गया, अशुघोष, चरक, नागार्जुन और पतंजलि, ये चार नाम आपको दिए गए। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन था जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पतंजलि। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पतंजलि किसके दरबार से संबंधित थे, अगर कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। अशुघोष, पार्श्व, वसुमित्र और विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया, तो विशाखदत्त नहीं गया, यानी कि अशुघोष गए, पार्श्व गए और वसुमित्र गए कनिष्क प्रथम के दरबार में, लेकिन विशाखदत्त नहीं गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सत्कर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सत्कर्णी को याद रखिएगा कि इनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये मौर्यों के बाद अगर बात की जाए तो सातवाहन था। सिमुक इसका संस्थापक था, सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो ये पांचाऊ था। गुप्त वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश में वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो कुषाण वंश की जो सीमाएं थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी।
और बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। और अफगानिस्तान, उसके पहले देख लेते हैं कला की गंधार शैली कहाँ किस समय फली फूली, तो ये कुषाणों के समय। और अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार कला शैली, ठीक है ना। और ये फूली फली फूली थी कुषाणों के समय में। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित अस्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, तो ये गांधार मूर्ति कला है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित अस्तरित चट्टान या इसको शिष्ट बोलते हैं, इसका प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, तो यह गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में अगर कालक्रम आपसे कहा जाए तो यूनानी शक कुषाण, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यूनानी शक और कुषाण YSK, ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको दे दिया क्योंकि कई बार पूछा गया है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये डेरियस प्रथम था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? सातवाहन था। और आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची इसमें किसमें मिलती है? ये थी मत्स्य पुराण में। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि सबसे पुराना था इसमें सातवाहन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट देखे। और यहाँ पे आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। ये दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती और प्रतिष्ठान में, ये दोनों थी राजधानियां, याद रखिएगा। किसकी थी? सात वाहनों की। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्पा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय और खारवेल में से वह जो जैन धर्म को मानता था, तो खारवेल जो था वो जैन धर्म से संबंधित था, बाकी जो थे ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। खारवेल किस वंश से संबंध रखता था? चेदी वंश से। दशरथ, बहत, खारवेल और हविस्क, ये चार नाम, चार राजा, इनमें से पूछा जा रहा है कौन जैन धर्म से संबंधित था या जैन धर्म के प्रति झुकाव था, तो फिर देखिए उत्तर मिल रहा है आपको खारवेल। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग रूपों में, ये दिखाने के लिए मैंने ये सारे फैक्ट यहाँ पे डाले हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विद के क्षेत्र में। जस्टिस जो शब्द है तो जस्टिनियन आप याद रखिए, आसानी से याद हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में, ये प्रमाण मिलता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है फैक्ट। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा था उसमें ही आया था, ये भी रिपीट हो रहा है। और आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में। ये तीन फैक्ट पता नहीं कैसे रिपीट हो गए हैं, ठीक है रिपीट हो गए हैं तो आपको याद भी हो गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं संगम युग को। संगम युग के कुछ प्रश्न हैं, उनको देख के इस एपिसोड को, इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। तीन संगम कितने वर्षों तक चला? तो ये 9,990 वर्षों तक चला ऐसा माना जाता है। और अशोक के अभिलेख में उल्लेखित चार दक्षिण भारतीय शक्तियों में से किस एक की पहचान अभी तक ठीक से नहीं हो पाई? तो ये सातीय पुत्र की पहचान ठीक से नहीं हो पाई है अभी तक। चार दक्षिण भारतीय शक्तियों में से ये एक है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। संगम काल में ओर किसे कहा जाता था? तो ओर शब्द जो प्रयुक्त होता था ये संगम काल में जासूसों के लिए प्रयुक्त होता था। संगम काल में सबसे पुखिया को क्या कहते थे? तो वेंतर, ये वेंतर शब्द था जिसको, सबसे पुखिया जो होता था उसे कहते थे। संगम काल में युद्ध से प्राप्त भेंट या लूट को क्या कहा जाता था? तो इरई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इरई। संगम साहित्य में वेची एक शब्द आता है, वेची, इसका प्रयोग किस लिए होता था? तो गो हरण के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। संगम काल में कर संग्राहक को क्या कहा जाता था? तो वारियार शब्द जो आता है, वारियार, वारियार शब्द कर संग्राहक के लिए प्रयुक्त होता है। कुलावानेकन शब्द, ये भी एक शब्द देखिए याद रखिएगा, इसका उपयोग संगम साहित्य में किस अर्थ में हुआ है? तो अनाज व्यापारियों का समूह ये हुआ करता था, कुलावानेकन अनाज व्यापारियों का समूह हुआ करता था। संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो अम्बलम। क्या कहा जाता था ग्राम प्रशासन को? अम्बलम। ये संगम काल की बात है। और 8वीं सदी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा? तो इरैयनार, अगजोरुल, इन्होंने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा था। कब? 8वीं सदी में। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषयक काव्य संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसको हम अकम कहते हैं। प्रेम विषयक जो काव्य संग्रह है इसको हम अकम कहते हैं। संगम काल में मलयार, पोरियार, पुदावार इत्यादि नाम किस शासक शक्ति के लिए मिलते हैं? तो ये मलयार, पोरियार, पुदावार
ये जितने भी शब्द हैं ये चेर के लिए मिलते हैं, जो चेर शासन था, चेर शासक थे उनके लिए। पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? तो करिकाल नाम का चोल शासक था जिसने पुहार बंदरगाह का निर्माण किया था। संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह को तमिल साहित्य में क्या कहा गया है? तो तमिल साहित्य में गंधर्व विवाह को कलावु कहा जाता था। क्या? कलावु। तो कलावु क्या था? गंधर्व विवाह था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक प्रमुख तत्व श्रेष्ठ कोटि के रेशम को क्या कहा जाता था? तो कलिंग कहा जाता था। दक्षिण भारत का ये प्रमुख तत्व हुआ करता था श्रेष्ठ कोटि का रेशम, उसको कलिंग कहा जाता था। और दक्षिण भारत में मुरुगन देवता समर्पित महोत्सव को क्या कहा जाता है? तो वेल नाडल। ये मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव होता है। क्या? वेल नाडल। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वासव समुद्र बंदरगाह नगर को आजकल किस नाम से जानते हैं? तो ये वासव समुद्र बंदरगाह जो होता था वही चेन्नई है आजकल। दक्षिण भारत में किस देवता का मंदिर वजकोट्टम कहलाता है? तो इंद्र देवता का ये मंदिर है। कापालिक शैव संन्यासियों की चर्चा किस तमिल ग्रंथ में है? मणिमेखले में है। संगम साहित्य में शहर की सड़कों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो शहर की जो सड़कें होती हैं उनके लिए दरु शब्द का प्रयोग होता है। और संगम साहित्य में राजा की सभा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो नालवे शब्द का प्रयोग हुआ। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में होता है हुआ है? तो ये शिल्पादिकारम में। ये पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चेर चोल एवं पांड के शासनाधीन समस्त संगम क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तमिलहम कहा जाता है। चेर चोल और पांड तीनों को, संगम ये तीनों का अगर मिला दिया जाए समस्त क्षेत्र तो तमिलहम कहा जाता है। संगम साहित्य के अंतर्गत तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम की रचना किस संगम के दौरान की गई? द्वितीय संगम के दौरान की गई। और इसका अंतिम प्रश्न है, दक्षिण भारत में किनकी राज्य को तोंडई मंडलम कहा जाता है? तो जो चोलों का राज्य था उसको तोंडई मंडलम कहा जाता है। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, और हम यहाँ पर आपके मदद के लिए, आपकी हर एक क्वायरी के लिए हाजिर हैं। और आप अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा बेसिक नंबर और हमारा मतलब जो व्हाट्सएप नंबर है वो टेलीफोन नंबर भी है, कहने का मतलब मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। सब इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल सकती है। कोई भी दिक्कत हो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।